अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे टूर का है आज तीसरा दिन। अभी हम चित्राल में हैं। चित्राल से हम लोगों ने आज निकलना है मस्तूज के लिए, और मस्तूज यहाँ से है मेरे ख्याल से कोई 100 या 110 किलोमीटर। और उससे पहले हमने रुकना है बूनी, वो भी अपर चित्राल में आता है। और बूनी हमने रुक के वहाँ से NOC लेना है करम्बर लेक जाने के लिए। नाश्ता करना है अभी। आपको चित्राल का बाहर का मैं व्यू दिखाता हूँ। तो ये है जी हमारे रूम से बाहर का व्यू। ये सामने चित्राल सिटी। तो होटल से चेकआउट के बाद सुबह तकरीबन 10 बजे हम लोग चित्राल सिटी से निकले मस्तूज के लिए। धूप काफ़ी तेज़ थी, इसलिए गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा थी। अभी कुछ देर असफाल्ट रोड पे चले ही थे कि आगे से ऑफ रोड सेक्शन स्टार्ट हो गया। ऑफ रोड पे स्टार्टिंग में इतने नोकीले पत्थर थे कि टायर पंचर हो गया। तो 2 से 3 किलोमीटर हम पैदल चले और मुकामी अफराद की मदद से हमें एक पंचर वाला मिल गया। पंचर काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए हमने ट्यूब चेंज करवाई है और फिर हम लोग अभी निकले हैं अपने सफ़र पर। ये रोड 2021 में बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस वक्त काफ़ी पतला सा रोड था। और अभी ये रोड यहाँ से गिलगित तक बनेगा, जिसकी वजह से चित्राल की टूरिज्म इंडस्ट्री पे काफ़ी मुसबत असरात मुरतब होंगे। अभी 11 बज चुके हैं और हम लोग कागोजी विलेज से गुज़र रहे हैं, और बूनी यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है। यहाँ का रोड प्रीवियस रोड से बेहतर है। ये रोड यहाँ से गुलेन वैली की तरफ जाता है, जो कि काफ़ी प्यारी जगह है। इस विलेज का नाम है मोड़ी लास्ट। जिन भाइयों ने हमारा पंचर लगवाने में हेल्प की थी वो इसी विलेज के थे, और उनका शुक्रिया। चित्राल टू बूनी रोड का ये वाला सेक्शन सबसे एडवेंचरस सेक्शन है, और जब इस सेक्शन पे काली एस्फाल्ट रोड बन जाएगी तो क्या ही इसके नज़ारे होंगे। चित्राल के मोस्टली स्पॉट्स हिडन हैं, इस वजह से यहाँ जाके काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि रश भी नहीं होता और गंद भी नहीं होता, क्योंकि टूरिस्ट तो इतने आते नहीं हैं इधर। तकरीबन 4:45 बजे हम लोग बूनी पहुंचे। तो 3 साल बाद आज हम लोग फिर से इसी मस्जिद में आए हैं। बूनी की मस्जिद है, ये बड़ी प्यारी मस्जिद है। ये सामने इसके एक मदरसा भी है, इस साइड का व्यू बड़ा अच्छा है। बल्कि इधर से दिखाता हूँ। माशाल्लाह। ये पानी जो आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ का मिनरल वाटर है। इसके अंदर जर्रात नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ के मिनरल्स हैं, और ये पानी काफी मजे का पानी है। नमाज हम लोग पढ़ चुके हैं और अब निकलने लगे हैं यहाँ से मस्तूज की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लोग ये फ्रेश चेरीज खाएंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन है। तो जी, अभी हम लोग बूनी से मस्तूज के लिए निकल चुके हैं। ये रोड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 2021 में था। तो दोस्तों, इधर से व्यूज़ मज़ेदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। काफी खूबसूरत छोटी है ये वाली।
वो मेरे ख्याल से बूनी सोम है और बादलों में घिरी हुई है इस वक्त। और अभी मैं आपको ये रास्ता दिखाता हूँ, गंदा रास्ता लेकिन मजेदार। वो दूर दरिया के किनारे पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। ये इधर दरिया है काफी तेज, और ये इधर छोटे छोटे गांव हैं, गंदम इन्होंने काश्त की हुई है। और ये व्यू असल व्यू है, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ है। चित्राल वाली साइड पे ये मजा आता है कि इधर कोई इतना हास रश नहीं, मतलब काफी टाइम बाद कोई एक गाड़ी गुजर जाएगी, कोई दो गाड़ियां। हालांकि अभी इधर शंदूर फेस्टिवल है लेकिन फिर भी इतना रश नहीं है, तो ये काफी मजे की चीज है इधर। आपको इधर एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये मेन रोड है मस्तूज का, और शायद आपको नजर आए या ना, ये इधर ये जगह पे दराड़ है सारी, मतलब इधर खड़े होना काफी रिस्की है, ये किसी भी वक्त नीचे जा सकती है सारी, इधर एंड तक ये दराड़ है। और ये गांव है सर, बड़ा अच्छा व्यू है इस टाइम, मजे का वेदर है, और असल व्यू तो ये है मजेदार। ये वाला रोड लास्ट टाइम काफ़ी बुरा था, लेकिन अभी ये रोड भी वाइडर कर दिया गया है, कंडीशन इस रोड की काफ़ी बेहतर कर दी गई है। तो जी फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मस्तूज। ये मस्तूज एक चेक पोस्ट के करीब का व्यू है और काफ़ी मज़े का व्यू है। अभी हम लोग जाएंगे यहां से होटल देखने और फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना होटल। तो ये है जी हमारे होटल का बाहर का व्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आज हम लोग पहुंचे हैं इधर मस्तूज में, NOC ले लिया हमने उधर बुनी से, उसके बाद हमने नमाज पढ़ी और अभी ही हम लोग पहुंचे हैं मस्तूज। आज का कमरा इंतहाई छोटा सा कमरा है, और ये देख लें मेरे पीछे, ये शुरू होते ही खत्म हो रहा है ये कमरा। फैसिलिटी इधर काफ़ी थोड़ी है, मतलब कि बाथरूम भी काफ़ी गंदा है, लेकिन मसला ये है कि अभी चल रहा है शंदूर फेस्टिवल आ रहा है 28 को शायद, उस वजह से इधर होटल लेना काफ़ी मुश्किल हो गया। ये होटल भी बड़ी मुश्किल से मिला है 1000 का, तो इसी को गनीमत जानी है। अभी सुबह सुबह हम लोग इधर से निकलेंगे और लश पहुँचेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।